सो हेलो जी, हेलो दोस्तों, की हाल चाल है थोड़ा सब दा। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आई होप सभी बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। तो यार, आज ऐसे ही निकले हुए थे, मैं सोच रहा था कि कुचा चौधरी मार्केट चलते हैं, चांदनी चौक। इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर लेना है, गोप्रो का, गोप्रो Hero 9 का। तो आज का प्लान ये था कि गोप्रो का ना, Hero 9 का स्क्रीन प्रोटेक्टर, ये जो लेंस प्रोटेक्टर है ना, वो लेना था। मेरे पास स्क्रीन प्रोटेक्टर तो है, पीछे का बैक साइड का जो टच स्क्रीन है उसका भी है, और आगे की फ्रंट स्क्रीन का भी प्रोटेक्टर है, लेकिन इसके जो लेंस है ना उसका प्रोटेक्टर नहीं है। तो वो मैं सोच रहा था कि मैं कुचा चौधरी मार्केट से ले लूँ या तो फिर अमेजोन से मंगा लूँ। अमेजोन पे इसका पूरा सेट 400-500 रुपये का आ रहा है, उसमें बहुत सारे एक्सेसरीज इंक्लूड है, लेकिन मेरे कुछ काम के नहीं है, मेरे पास पहले से ही है। तो मैं सोच रहा था कि अगर वहाँ पे अगर डल जाता है 400 रुपये में तो ठीक रहेगा, अपना भी काम हो जाएगा और पैसे ज़्यादा लगाने भी नहीं पड़ेंगे अगर अमेजोन वगैरह से मंगाते हैं ऑनलाइन। देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो भाई कितना जाम लग रहा है, जाम देख लो, और ये पटरी मार्केट देख लो, 450 सब सेल चल रही है। और ये जूते लिए हैं कभी किसी ने रोड साइड से? मैंने ले रखे हैं भाई, चलते नहीं है ये, 200-250 रुपये के नहीं चलते ये। अगर तुम इन्हें यूज़ करोगे ना पता चल जाएगा। एक ही बार ली हुए थे, उसके बाद मैंने कहा बाबा अब ना लेने। ये रोड पता है किसी को? ये कालिंदी कुंज वाला वो है रोड, ब्रिज भी कह सकते हैं इसे, ये नाल, ये यमुना के ऊपर से जा रहा है। यहाँ से अपनी दिल्ली स्टार्ट हो जाती है, MCD का टोल लग जाता है कमर्शियल गाड़ियों का। और क्या बताऊँ कि यहाँ पे आपको जाम तो मिलेगा ही मिलेगा हमेशा, ये तो इसकी USP है। कभी कभी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर यहाँ जाम नहीं मिला तो, कि आप सही रोड पर हैं। तो भाई चलो चलो चलो, तो निकल तो चुके हैं जाम से। ये देखो इस रोड पर पूरा ही जाम है, नोएडा के लिए जा रहा है अपना। सामने आपका शाहीन बाग है, यार मैं ना Insta360 और GoPro Max 360 दोनों में से लेने की सोच रहा हूँ, कौन सा मिल जाए। Insta360 में 3-4 मॉडल आते हैं, X2 करके, X3 करके, ठीक है। अब देखो कौन सा मिल जाए, यूज़ में लूँगा सेकेंड हैंड में, और या तो GoPro का 360 Max मिल जाए, ठीक है, वो भी बढ़िया है। और एक यार एक आईफोन भी चाहिए, क्योंकि ना एडिटिंग ना PC में होनी भारी है सही से। देखो उसके लिए बात तो करी है, कल डील हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर और देखेंगे। नहीं तो फिर मैं सोच रहा हूँ एक बार ये स्टोर होते हैं ना, ये आपके जनकपुरी में, साकेत में है, और पीतमपुरा में है, रोहिणी वगैरह में, ये जो यूज्ड आईफोन देखते हैं उनका, तो एक बार चेक करूँगा, मैं गया नहीं हूँ। और OLX पे भी मैंने बहुत बात करी है बंदों से, तो OLX पे देखो सही डील मिल रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ना आईफोन 11 जो है वो 5G नहीं है, लेकिन फ़ोटोग्राफी के लिए अच्छा है, ठीक है। और एक है आईफोन XS Max, ये भी तो दोनों का जो प्राइस है ना, प्राइस सेगमेंट, वो दोनों का सेम है, ठीक है। और वीडियो एडिटिंग के लिए और फोटोग्राफी के लिए, व्लॉगिंग के लिए, ठीक है, और रील्स बनाने के लिए, इन सब के लिए वो ठीक रहेगा। बस एक जो उसका बैकड्रॉप है वो है कि 5G नहीं है, ठीक है।
बस यही चीज़ है। और दूसरी यार अपना ना, मैंने ना एसकेडी आपने देखा होगा करोल बाग में, अब तो पहले, अब ये दो बंदे थे सिकंदर करके के राजू करके, दोनों मतलब अपार्ट हो गए, अलग हो गए, तो उन्होंने शॉप अलग कर ली है। अब सिकंदर की अलग शॉप है। मैंने वो जो पहले वाला था ना, उससे मैंने अपने एक्टिव 125 में ना मिरर लगवाए थे, वो वाले मिरर थे, वो LED टर्न इंडिकेटर वाले 1500 रुपये के थे, ठीक है। वो वाले मिरर, अब उसका ना एक तो ठीक था और दूसरे वाले का ना तार निकल गया, उसका तार निकल गया। अब दोबारा उसका तार लगवाना है, इलेक्ट्रिशियन के पास जाऊंगा, उसका तार वगैरह फिक्स कराऊंगा, और उसके बाद अब ऐसी सेटिंग करूंगा कि वो जो लगे ना, तो उसका तार जो जब लगाते हैं ना, तो उसका ना बॉडी से टच होता है, तो बॉडी से टच होके टच होके वो फटी हो जाता है, टूट जाता है तार, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन एक करना है, और बाकी अपने एक्टिवा 125 को मॉडिफाई भी कराना थोड़ा, ठीक है, वो भी इन फ्यूचर बहुत जल्दी वेरी सून होने वाला है, और आपको उसकी भी वीडियो मिलेगी इसी चैनल पर। अच्छा, कौन कौन बंदा, ये देखो ईवी अपनी नेक्सॉन ईवी धमाका मचा रही है भाई, ईवी सेगमेंट में टाटा की ना मार्केट शेयर ईवी के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन्होंने R&D के ऊपर बहुत अपना पैसा खर्च किया है। देखो इंडियन ब्रांड अपना, पहले कहाँ होता था टाटा का, आप लगा लो आज थर्ड इंडिया के अंदर थर्ड मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, और एज वेल एज बिकने वाले भी ब्रांड है, ज़्यादा सेल भी इन्हीं की होती है। पहले पे तो आपकी मारुति आई जाती है, सेकंड पे हुंडई है, थर्ड पे टाटा चल रहा है, तो यही है। अच्छा लगता है इनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। टाटा की एक और बात बताऊँ मैं कि देखो जो बंदा, तो अभी आगे बताऊंगा, ट्रैफिक चल रहा है आगे, अभी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो देखो टाटा के बारे में जो बता रहा था मैं, कि टाटा की जो गाड़ियां हैं, कोई भी प्रोडक्ट देख लो आप, वो तो सबको नोन है, सबको पता है, ठीक है, जग जाहिर है कि बिल्ड क्वालिटी इतनी धमाकेदार होती है, रेटिंग उसकी 4 स्टार 5 स्टार NCAP रहती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक कारण और चला जाता है, क्योंकि वो जो हमारे जो रतन टाटा जी हैं कितने सेल्फलेस हैं, ठीक है। तो सेल्फलेस का मतलब कि बंदा इतना ज़्यादा दान करते हैं, इतना ज़्यादा, ठीक है, इतना NGOs वगैरह सोशल वर्क इतना करते हैं, तो जो बंदा ये सब करते हैं ना, तो वो अपने प्रोडक्ट में ना कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। ये वही कंपनियां करती हैं जो कॉस्ट कटिंग करती हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्ट आ जाता है बिल्ड क्वालिटी के अंदर, ठीक है। तो आपकी नियत, जो बोलते हैं ना, नियत मैटर करती है। तो यार मैं वीडियो, अगर मैं गया कल नहीं तो परसों, ठीक है, वीडियो आएगी आईफोन की और Insta360 की या GoPro 360 Max की, देखते हैं परचेज करेंगे परसों तक, तो उसकी भी वीडियो का इंतज़ार करिएगा। यार मेरे पास ना एक साइकिल भी पड़ी है, एपग्रो कंपनी की है, मैंने अमेज़ॉन से ली थी, करीबन 19-20 हज़ार की है, और भाई चलाई बिल्कुल नहीं है, वैसी पड़ी हुई है। अब देख रहा हूँ या तो उसे निकाल दूँ या तो उसको एज अ कंटेंट यूज़ कर लूँ, अब देखो क्या होता है, या तो बिक जाए नहीं तो अपने वीडियोस में ही आ जाए, ले चलेंगे सुबह सुबह गेड़ी मारने उसको भी।
पार्क वगैरह रोज ले चलेंगे, उसी पे शूट भी कर लेंगे जो भी है, साइकिलिंग की भी व्लॉगिंग हो जाएगी अपनी। साइकिल पे भी बहुत बंदे हैं करते हैं, जैसे फैट बाइकर है और भी बहुत हैं उनसे। हाँ तो मेरी फैट बाइकर ही है मेरी भी, चौड़े टायर हैं 26x4 के और शिमानो के गियर हैं, डिस्क ब्रेक हैं, ड्यूल डिस्क ब्रेक हैं, सस्पेंशन है। साइकिल तो बहुत अच्छी है, माउंटेन बाइक भी जिसे कहते हैं ना, माउंटेन बाइक फैट बाइक, मतलब भाई मैंने हार्डली उसे ना 1 किलोमीटर चलाया होगा और उसके बाद से पड़ी हुई है घर में। उसके ऊपर ना कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं, कपड़े सूखते हैं उसके ऊपर, पोचे सूखते हैं मेरे हमारे घर में। तो भाई अब हम इसको थोड़ी दिलवाऊंगा भी और देखूंगा, आज अगर कुछ चौधरी मार्केट निकलना हो तो वीडियो में पता चल ही जाएगा, आगे डाल दूंगा, नहीं तो फिर नहीं तो आज मैं दिलवाऊंगा भी इसे जाके, बहुत गंदी हो रही है। और इसका ना यार आगे का फ्रंट का ना फोक सस्पेंशन भी चेंज होना है, इसमें ना ऑयल लीक हो रहा है 2 महीने से भाई। इसकी ना सर्विस इतनी बेकार है, ओखला का सर्विस सेंटर भी इसका बंद हो चुका है, तब उसका चालू था ना, 2 महीने से अपॉइंटमेंट ले रखी है लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब देख सकते हो सर्विस कैसी है ओला की, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन उन्होंने सर्विस पे ना कोई ध्यान नहीं देते, कोई भी ध्यान नहीं देते। मैं इसकी ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा क्योंकि मैं बहुत ही फेड अप हो चुका हूँ, बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। मैं जाके इसकी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है सारी, जो मैंने टिकट रेज करी है, कितनी बार सर्विस सेंटर गया हूँ और मुझे क्या क्या बोला गया है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड मैं कर लेता हूँ सारा कुछ, ठीक है, वो सब डाल दूँगा मैं। तो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। चलो बाय बाय, साइनिंग ऑफ, दिस इज आकाश मामला, स्काईलाइन आकाश।